ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। शास्त्र अनुसार चारों वर्णों के लिए यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के लिए बताया गया है कि तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे चंदन के साथ घिसकर और भगवान के माथे पर लगाइए। शास्त्र अनुसार एक ब्राह्मण जितना वेद पढ़कर पुण्य कमाता है, उतना ही पुण्य तीनों कास्ट के लोग भगवान को चंदन में तुलसी घिसकर उनके माथे पर लगाकर ही उतना पुण्य कमा सकते हैं। तो ये चारों वर्णों के लिए बताया गया है। वेद पढ़ने से, तीनों कालों में पूजा करने से, गायत्री मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल तुलसी का थोड़ा सा टुकड़ा चंदन में घिसकर भगवान नारायण को लगाने से भक्त और भक्तानियां उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि तुलसी की लकड़ी से बने चंदन का जो प्रतिदिन हरि के शरीर में लेपन करता है, वह मृत्यु के पश्चात भगवान नारायण की वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो आज ही तुलसी की लकड़ी का बुरादा बनाकर किसी डिब्बी आदि में रख लो और जब चंदन घिसो तो उसी में डालकर रोजाना भगवान श्री हरि के शरीर पर लेपन कर उन्हें नहलाने के समय, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो भी व्यक्ति चंदन में तुलसी डालकर भगवान के शरीर पर लेपन करता है, वो एक ही दिन में 100 दिनों की पूजा का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, 100 गायों को दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल नित्य नारायण को चंदन में तुलसी का बुरादा डालकर भगवान के माथे पर चंदन का टीका लगाने से 100 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तो जब तक आप इस पृथ्वी पर मानव रूप में हैं, तब तक चंदन में तुलसी डालकर भगवान का लेपन अवश्य करें और टीका भी लगाएं, क्योंकि आज हर घर में लड्डू गोपाल हैं। हर हर महादेव।